नमस्कार, HBtv न्यूज के नए कार्यक्रम ऑर्डर ऑर्डर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो खास सेगमेंट है जहां पर जनता ही जज है, जनता जनार्दन ही फैसला लेती है और कोर्ट रूम में हाजिर वो तमाम शख्सियतें उन तमाम सवालों के जवाब देती हैं जिनका जवाब जानना चाहती है आम जनता। जी हाँ, जनता के इस कोर्ट रूम में आज हाजिर होने वाले हैं इंदौर के भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, इंदौर की प्रथम नागरिक और महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के सुपुत्र एकलव्य सिंह गौर। कोर्ट रूम में वो हाजिर हों, तमाम सवालों के जवाब दें। उससे पहले इस ऑर्डर ऑर्डर खास शो में जनता के जज के तौर पर हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद रहेंगे HBtv न्यूज के रीजनल न्यूज हेड श्री हरीश फतेह चंदानी, जो कि जनता की नब्ज टटोलेंगे और जनता की तरफ से कौन सा फैसला है वो सीधे तौर पर दर्शकों को बताएंगे ऑर्डर ऑर्डर के साथ। सबसे पहले सवालों की फहरिस्त यहां पर शुरू करते हैं और वो शख्सियत, जी हाँ, एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़, जो कि टेलीविजन के कैनवास से अक्सर दूर रहते हैं, चाहे बात अखबारों की सुर्खियों की हो या टेलीविजन की हेडलाइंस की, दोनों में ही ये नाम बड़ा ही दूर से देखा जाता है, बड़ी ही दूर से देखा जाता है और सियासी कैनवास पर भी एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर को बड़ा ही दूर पाया जाता है। लेकिन आज वो हाजिर हैं कोर्ट रूम पर, HBtv न्यूज के तमाम सवालों के जवाब देंगे और जनता की तरफ से वो तमाम जिज्ञासाओं को शांत करेंगे जो कि जनता जानना चाहती है, युवा उनसे जानना चाहते हैं। कोर्ट रूम में सवालों की फहरिस्त में पहला सवाल है एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर से कि आखिर उनका मकसद क्या है, इस मकसद के साथ वो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और कैसे आने वाले दिनों में वो अपना राजनीतिक लक्ष्य तय करने वाले हैं और किस खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अब जी जान से जुट गए हैं। मैं मानता हूं कि वो एक राजनेता से बढ़कर एक जननेता थे और वो जननेता इसलिए थे कि वो समाज में हमेशा एक सुधारक की भूमिका में उन्होंने काम किया, सामान्य राजनीतिक व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज में जो भी कुरीतियाँ विकृतियाँ हैं उनको कैसे दूर करें उसके लिए उन्होंने प्रयास किए, इसलिए वो एक सामान्य राजनेता से ऊपर उठकर एक जननेता बन पाए। और उनके जाने के बाद उनके जो उनको चाहने वाले लोग थे, जो उनको हर उनके अभियान आयोजन आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उनके साथ भाग लेते थे, उनको जो कोई अपना बड़ा भाई मानता था, कोई दादा मानता था, उन लोगों ने मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली उनके जाने के बाद। आपको याद होगा कि जब उठावना था लखन जी का, तो उस समय सभी लोगों ने मांग की थी कि अब लखन जी के बाद किस पर ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए, और परिवार ने मुझे जनता को सौंप दिया था उस समय, मेरे बड़े पिताजी ने, तभी से ही हम सब मिलकर उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लखन जी ने जो समाज सुधार की एक दिशा हम सभी कार्यकर्ताओं को हिंद रक्षक संगठन के माध्यम से दी, हम सभी पूरी ताकत से उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी हर कार्यक्रम हर अभियान से समाज को क्या लाभ हो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ की आवाज़ को, उनकी तमाम बातों को, उनके तमाम इरादों को, उनके तमाम वादों को। बारी है जनता के जज श्री हरीश जी से उनका फैसला जानने की। हरीश जी, एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़, ये वो नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक संभावनाओं भरा चेहरा है और आने वाले दिनों में इस नाम को राजनीतिक नज़रिए से अब देखा जाने लगा है, आप क्या कहेंगे? जब से लक्ष्मण सिंह गौड़ का निधन हुआ है जी, एक एक्सीडेंट में लक्ष्मण सिंह गौड़ मंत्री थे जी, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई जी। लक्ष्मण सिंह गौड़ एक वो नाम है उस 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में जिसने भाजपा का गढ़ बनाया था। बिल्कुल। और अगर उस समय एकलव्य सिंह गौड़ अगर परिपक्व होते, उन्हें राजनीति के मायने समझ में आए होते जी, तो आज मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ कभी भी राजनीति में नहीं आती। बिल्कुल। लक्ष्मण सिंह गौड़ का एकाएक अचानक से जाने के बाद कोई भी उनके परिवार में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लखन दादा की टीम को और उस विधानसभा को संभाल सके। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को एक मौका दिया जी, और उनमें संभावनाएं उन्होंने देखी, चूंकि वो एक गृहिणी थी, उनका कोई भी बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था जी। पर अगर लक्ष्मण सिंह गौड़ जिन्हें कभी नहीं सोचा था कि उनका समय के पहले वो चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कभी एकलव्य को तैयार नहीं किया। बिल्कुल।
जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनका सिस्टम था, उन्हें एकलव्य काफ़ी नज़दीक से देखता ज़रूर था, पर जिस देश में हम रहते हैं, जिस भारत में हम रहते हैं, आज भी पिता पुत्र का सम्मान करता है। बिल्कुल, पिता का डर हर पुत्र को रहता है। उस डर के मारे कभी भी एकलव्य सिंह गौर खुल करके राजनीति में नहीं आए। वो लक्ष्मण सिंह गौर वो नेता थे कि उन्हें हमेशा से ये रहता था कि कोई भी उन पे आरोप नहीं लगाए, उनकी टीम का कोई भी मेंबर नहीं फिसले कि एकलव्य सिंह गौर आने वाले समय में 4 नंबर क्षेत्र की राजनीति करेगा। बिल्कुल, तो एक तो समय से पहले लक्ष्मण सिंह गौर का जाना और एकलव्य का परिपक्व उस समय पर नहीं होना, तो ये कहीं ना कहीं, और आने वाले समय में जैसा कि मालिनी गौर चाहती हैं, जैसा कि 4 नंबर विधानसभा और लक्ष्मण सिंह गौड़ की टीम चाहती है कि अब एकलव्य सिंह गौड़ को कमान वहाँ की दे देना चाहिए, उसे नेता बना देना चाहिए, उसे विधायक बना देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, यह है जनता का फैसला, जनता के जज हरीश जी हमें बता रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कोर्ट रूम में सवाल नंबर 2 यहाँ पर पूछते हैं एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ से। सवाल नंबर 2 एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ से ये आता है कि किस तरह से वो युवाओं की टीम को जोड़ रहे हैं, और जब उनकी माता शहर की प्रथम नागरिक हो, महापौर हो, तो पूरे शहर जिम्मेदारी एक तरफ हो जाती है, और वो शहर जिसे कि पूरे देश में सर्वोच्च स्थान मिला है, स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसे पूरा करने के लिए संकल्पित है इंदौर शहर, ऐसे में उस शहर का विकास करना, उस शहर की नगर निगम को चलाना, वहीं दूसरी तरफ दूसरी जिम्मेदारी है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जिसे कि अयोध्या कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जिम्मेदारी संभालना, वहां पर परस्पर विकास हो उसका पूरा पूरा ख्याल रखना, और अब वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर। तो ऐसे में एकलव्य से दूसरा सवाल है वो ये है कि वो किस तरह से तालमेल बैठा पाते हैं, और वो कौन कौन से ऐसे विकास के बड़े काम हैं जिस पर एकलव्य की नजर रहती है, और आने वाले दिनों में वो अपने पारिवारिक राजनीतिक विरासत को कैसे संभालने वाले हैं, ये है उनसे सवाल नंबर 2। एकलव्य का क्या है जवाब, यह देखते हैं कोर्ट रूम से एकलव्य सिंह गौर की सीधी आवाज। फिलहाल तो मैं जो जिम्मेदारी मुझको सौंपी थी लखन जी के जाने के बाद आम जनता ने, उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंद रक्षक संगठन के संयोजक के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहा हूँ। तो अभी तो जो समाज सुधार के जो काम हैं, युवाओं को जोड़ने का जो लक्ष्य है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर हम समाज में काम कर रहे हैं, अभी उसी पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है। और राजनीति में कोई महत्वाकांक्षा को लेकर मैं काम नहीं करता हूँ, काम अच्छे से करूँ, अच्छा काम करूँ, यही एक लक्ष्य होता है। कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए मैं समाज में काम करता हूँ। देखिए, दायित्व के हिसाब से तो मैं संयोजक हूँ हिंद रक्षक संगठन का, पर हमने बचपन से लखन जी को एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हुए देखा है, सभी कार्यकर्ताओं ने, तो वो भाव जरूर बना रहे, इसका प्रयास करता हूँ कि मैं अपने आप को कभी भी संयोजक नहीं मानता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूँ, चाहे वो पार्टी में हो चाहे हिंद रक्षक संगठन में। और दूसरा, युवाओं के लिए संदेश यही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक कामों में लगाएं, निगेटिव कामों में कभी भी व्यर्थ ना जाने दें। समाज में अगर अच्छा काम खड़ा करना है तो स्वयं बहुत संयमित और मर्यादित रहना पड़ेगा, अच्छी सकारात्मक दिशा में चलना पड़ेगा, तभी हम समाज को कोई संदेश दे पाएंगे। और लखन जी का जो समाज को लेकर कल्पना थी कि एक भयमुक्त और पापमुक्त समाज कैसे बने, उस दिशा में युवा शक्ति कैसे लगे, इस पर सभी युवाओं को विचार करना चाहिए, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि ऐसे समाज के निर्माण में कैसे हम युवाओं की ऊर्जा का उपयोग कर सकें, उस दिशा में मैं काम करूँ। चलिए, यहाँ पर देखा कोर्ट रूम में हाजिर एकलव्य सिंह गौर बता रहे थे कि वो तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे पुण्योदय प्रकल्प गिनाए यहाँ पर जो कि लक्ष्मण सिंह गौर, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौर के हिंद रक्षक संगठन द्वारा संचालित हैं। अब बारी है जनता के जज हरीश जी से उनका फैसला जानने की। हरीश जी, यहाँ पर हमने सुना, यहाँ पर हमने देखा कि हिंद रक्षक संगठन जो कि स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौर के जाने के बाद पूरी तरह से उसके संयोजक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर, और वो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के परंपरा को आगे बढ़ाने का वो भी वो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ शहर की जिम्मेदारी माताजी के पास है और विधानसभा की जिम्मेदारी वो धीरे धीरे संभालने लगे हैं। आपका क्या है फैसला? देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर एक अच्छी विधायक और एक अच्छी महापौर होंगी। बिल्कुल, उनके कार्यकाल में इंदौर को नंबर 1 जो स्वच्छता अभियान में मिला है जी,
ये वाकई हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, इंदौर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में जहाँ कई शहर लाइन में लगे हुए थे वहाँ इंदौर को नंबर वन का खिताब मिला। बिल्कुल। दूसरी बात, जब से मालिनी गौड़ और एकलव्य गौड़ की एंट्री हुई है जी, तो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट था लक्ष्मण सिंह गौड़ के समय पे, चंदेबाजी, धंधेबाजी और गुंडागर्दी, ये मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ और एकलव्य के आने के बाद ये चीजें समाप्त सी हुई उस विधानसभा में जी। वहाँ आए दिन व्यापारी पहले शिकायत करते थे कि हिंद रक्षक के नाम से, गर्भों के नाम से दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, चंदेबाजी करना, पैसे की वसूली करना। जब से एकलव्य सिंह गौड़ के हाथ में कमान आई है तो वहाँ पे गुंडागर्दी, दादागिरी बंद हुई है जी। स्वयं इच्छा से जो लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुरानी टीम है, जो लोग हैं, आज भी वो जो सिस्टम बना के गए थे उसी सिस्टम पे वहाँ पे आज भी गरबा होता है। बिल्कुल। तो पहले आलम यह था कि वहाँ पे आए दिन माराकुटी, थानों में मामले जाते थे, 15-20 कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जबरदस्ती पैसा लाए, नहीं दिया तो उसकी दुकान फोड़ दी जी। ये आने के बाद सबसे बड़ा जो एक हमने चीजें देखी, सबसे बड़ी चीज तो ये देखी। दूसरा, जो भी लक्ष्मण सिंह गौड़ के भाई भतीजे और बाकी के उनके सर्कल के लोग थे, खास करके रिश्तेदार, उन सबको भी गलत कामों से दूर करा एकलव्य ने। क्यों? क्योंकि उसे छवि खराब होती है जी। कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह गौड़ के संस्कार एकलव्य में दिखते हैं। बिल्कुल। पर जो सफाई जिस तरीके से की, आज ही परिवार के लोग नाराज रहते हैं माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ से भी और एकलव्य से भी, पर जनता इसलिए खुश रहती है क्योंकि रहना तो उनको जनता के बीच में है, जनता के नब्ज को समझने का मादा है एकलव्य में। बिल्कुल। और आने वाले समय में जिस गति से और जिस पेशेंस के साथ एकलव्य सिंह गौड़ चल रहे हैं, वाकई में आने वाले समय में एक बड़ा, एक अच्छा नाम भाजपा में एकलव्य सिंह गौड़ जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति संभावनाओं भरा क्षेत्र है और हर चेहरे में एक संभावना होती है, और ऐसी ही कुछ बड़ी संभावनाएं फिलहाल दिखाई देती हैं एकलव्य सिंह गौड़ में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कोर्ट रूम में हाजिर हैं एकलव्य सिंह गौड़। उनसे अगला सवाल है वो ये है कि किस तरह से वो प्राथमिकता तय करते हैं। पहली प्राथमिकता है उनका शहर, यानी कि हमारा खुद का अपना शहर इंदौर शहर, जिसकी नगर निगम की जिम्मेदारी उनकी माता मालिनी गौड़ के पास है। तो वहीं दूसरी तरफ वो विधानसभा जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4। ऐसे में दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठा पाते हैं और विकास कहां पहले हो और किस तरह से विकास के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स परस्पर जो है गति पकड़ते रहें, इस पर कैसी उनकी प्राथमिकता तय हो पाती है, इस पर क्या है सफाई, सीधे सुन लेते हैं कोर्ट रूम में हाजिर एकलव्य सिंह गौड़ की जुबानी। देखिए, वो विधायक हैं पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अगर केवल 4 नंबर में ही फोकस करेंगे विकास को तो मेरे ख्याल से क्षेत्र पूरे इंदौर की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। तो माताजी जो हैं वो निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के पूरे शहर में एक जैसा विकास हो, इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हाँ, मेरा ज़रूर थोड़ा सा स्वार्थ रहता है क्योंकि लखन जी के जाने के बाद कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएँ रहती है, क्षेत्र की जनता की अपेक्षा रहती है। तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम विधानसभा 4 में हों, पर वो बहुत निष्पक्ष रूप से कई मेरे अनुचित कामों को मना भी कर देती है, पर हम सभी लोग मिलकर अच्छा काम हो इस दिशा में प्रयास करें। तो यहाँ पर देखा कि एकलव्य सिंह गौड़ भी कहते नजर आए कि वो पूरी तरह से प्राथमिकता अपने शहर को देते हैं, और खास तौर पर उनकी माता मालिनी गौड़ का ये स्वभाव है कि वो कभी कोई भेदभाव नहीं करती। उनके लिए जो जिम्मेदारी पहले है वो पहले है, उनके लिए शहर भी उतना ही प्राथमिक है, उनके लिए उनकी विधानसभा ही उतनी जरूरी है, उतनी प्राथमिक है। क्या है जनता के जज श्री हरीश जी का फैसला, ये भी हम देख सुन लेते हैं। इस शहर के और प्रदेश के नेताओं को मालिनी गौड़ से सीखना चाहिए कि वाकई सब्र और पेशेंस क्या होता है जी। ये बात सही है कि मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ कोई भी भेदभाव नहीं करती हैं, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भाजपा का पार्षद हो, चाहे उनकी विधानसभा का मामला जी, वो भेदभाव नहीं करती, ये बात स्पष्ट है। यहाँ माइनस पॉइंट जो है, जिस तरह के लोग 4 नंबर विधानसभा में जोड़ना चाहिए जी, आज भी वही लोग जुड़े हुए हैं जो लक्ष्मण सिंह गौड़ के साथ थे, अच्छे थे बुरे थे वो लक्ष्मण सिंह गौड़ बेहतर जानते थे जी, कि किसको कैसे रखना है जी, वो किस तरह से किसको रखना है, वो आज भी वैसी प्रैक्टिस एकलव्य में नहीं है।
लोगों का चयन भी सही नहीं है, किसका कितना वजूद उस विधानसभा में है, किसका कितना वेटेज है, आज भी इस मामले में मार खा जाते हैं एकलव्य सिंह गौड़ जी, जो हैं वो पूरी तरह नहीं है, जो नहीं है उनका दर्द ये है कि लक्ष्मण सिंह गौड़ के बाद तो पता नहीं हमारे सर से एक साया उड़ गया हो जी, और आज की स्थिति में महापौर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ और एकलव्य तो इतना काम कर देना चाहिए, इतने लोगों को जोड़ना चाहिए कि पूरे शहर में भी हम ताई और भाई की बात करते हैं, हमको भाभी की बात भी करना होगी आने वाले समय को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी जिस तरह से बाकी नेता अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही चाहे मालिनी गौड़ो चाहे एकलव्य सिंह गौड़ो हो, विधानसभा चार से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। इतनी पॉजिटिव लीडरशिप में तो उन्हें अपना जो राजनीति का क्षेत्र है वो और बढ़ाना चाहिए, चार नंबर के अलावा भी जाना चाहिए। चार नंबर को छोड़ के अब तो मेरा एक सीधा स्पष्ट तौर पे कहना है गौड़ परिवार से, उन्हें दो नंबर में भी राजनीति करना चाहिए, उन्हें तीन नंबर में राजनीति करना चाहिए, उन्हें चार नंबर में राजनीति करना चाहिए, उन्हें पांच नंबर में राजनीति करना चाहिए, उन्हें एक नंबर में भी राजनीति करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों चार नंबर में ही राजनीति करे गौड़ परिवार? गौड़ परिवार का जिस तरीके से गौड़ परिवार की शैली है राजनीति करने की, उन्हें हर विधानसभा में काम करना चाहिए। जब कैलाश विजयवर्गीय चार नंबर में आकर के वहां पे भाजपा का गढ़ बना सकते हैं, वहां आके चुनाव जीत सकते हैं, तो क्या गौड़ परिवार दो नंबर जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जनता के जज का एक बड़ा फैसला है, एक सूझबूझ भरा यहाँ पर बड़ा सुझाव भी है जो कि गौड़ परिवार देख सुन रहा है, और राजनीतिक तमाम वो फॉलोअर्स जो कि सीधे तौर पर इंदौर नगर निगम की महापौर मालिनी गौड़ से जुड़े हैं वो भी देख सुन रहे हैं। कोर्ट रूम में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़। ऐसे में एक बड़ा आयोजन उन्होंने हाल ही में किया था जिसकी बहुत गूंज जो है पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में दिखाई सुनाई दी। जी हाँ, तकरीबन 6000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों को उन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट से जोड़ा और पूरी की पूरी विधानसभा में अलग अलग मैदान उन्होंने तैयार किए जहाँ पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट के क्रिकेट मैचेस खेले गए, और इन तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट में जुड़े खिलाड़ियों को वो प्रोत्साहन देने के लिए हिंद रक्षक संगठन के माध्यम से लगातार गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है जिसका सीधा श्रेय एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ को जाता है। क्या कहना है उनका जनता जनार्दन से इस खास आयोजन को लेकर, और ये कैसे परिकल्पना उनके दिमाग में आई और किस तरह से इन्हें उन्होंने मूर्त रूप दिया, यहां पर देख सुन लेते हैं कोर्ट रूम में हाजिर एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ का क्या है सीधा जवाब। एक्चुअली ये आयोजन पहले भी होता रहा है पर छोटे स्वरूप में होता था। दर्शन मैदान पर एक ओपन टूर्नामेंट हमारे कार्यकर्ता हैं राकेश जैन, वो कराते थे, और लखन जी के जाने के बाद से लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस साल भी उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि ये टूर्नामेंट हमको कराना चाहिए, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि हम इसको कुछ नए स्वरूप में कुछ नया फ्लेवर दें, और मेरा मन नहीं था कि केवल 32 टीमों को और कोई ओपन टूर्नामेंट करके हम इसको करें, तो कुछ विस्तार देने का मन था। तो हमने एक योजना बनाई कि क्यों ना हमारी चार नंबर विधानसभा के प्रत्येक बूथ की हम एक टीम बनाएं। कुल मिलाकर ये आयोजन पार्टी को मजबूत करने के लिए, युवा शक्ति को पार्टी से जोड़ने के लिए हमने इसको एक मोटा मोटा हमने स्वरूप सोचा था। तो सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई तो फिर ये निकल के आया कि हम बूथ लेवल तक जाएं, 15-15 लोगों की युवाओं की टीम बनाएं और बूथ लेवल के हम इसको टूर्नामेंट कराएं इसको। तो लगभग 400 से अधिक टीमें इसमें तैयार हुई और 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में भाग लिया। ये 6 खेल मैदानों पर एक साथ हुआ है टूर्नामेंट, 1 मई से शुरू हुआ था और लगभग 28 तारीख तक ये लगातार चला टूर्नामेंट। और पहले हमने वार्डों के बूथ स्तर के मैचेस कराए, उन 400 टीमों में से प्रमुख 32 टीमें हमने निकाली और उनका फिर मुख्य टूर्नामेंट हमने दर्शन मैदान पर करवाया। तो इस तरह से एक बहुत भव्य एक विराट आयोजन क्षेत्र को की जनता को भी देखने को मिला, खिलाड़ियों को भी एक अवसर मिला, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं इसमें से बाहर आई हैं, और इस टूर्नामेंट के बहाने से कई खेल मैदान हमारे तैयार हो गए हैं जिसपे आगे आने वाले भविष्य में भी लगातार खेल गतिविधियाँ चलेंगी। एक बहुत बड़ा हमारा प्रयोग था जो ईश्वर की कृपा से सफल हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ वो पूरी योजना यहाँ पर साझा करते दिखाई दिए, किस तरह से 6000 खिलाड़ी जोड़े गए, कैसे क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को न केवल एक सेहत के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया बल्कि पर्दे के पीछे से राजनीतिक जनाधार भी तैयार हो गया। जनता के जज हरीश जी हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से वो एक राजनीति के अलग अलग मायनों को इससे जोड़कर देखते हैं और आने वाले दिनों में इस तरह का आयोजन कैसे एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ की एक नई सेना एक नई टीम को भी तैयार करेंगे। क्या है जनता के जज श्री हरीश जी का फैसला 2018 को देखते हुए? जी ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, जो क्रिकेट का आयोजन हुआ है युवाओं को जोड़ने की बात है जी, उसमें स्पष्ट तौर पे देखते हैं हम कि 2018 की पूरी पूरी तैयारी है। 2018 में एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ 4 नंबर से चुनाव लड़ेंगे, यही इच्छा उनकी माता इंदौर की मेहर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की है। यही इच्छा जो लक्ष्मण सिंह गौड़ के जो बहुत करीबी लोग हैं जी वो भी ये चाहते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कई बार परेशान रहती हैं, कभी घुटनों की तकलीफ कभी स्वास्थ्य खराब। राजनीति में मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ नहीं आना चाहती थी, पार्टी उन्हें लेके आई, पर अब वो भी चाहती हैं कि एकलव्य को पूरी सत्ता कमान 4 नंबर की दे दी जाए। बिल्कुल, और ये क्रिकेट की बात 6000 युवाओं के जोड़ने की बात नहीं है जी। जब तक अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं जी, कोई ना कोई आयोजन होते रहेंगे। बिल्कुल, जैसे युवाओं को जोड़ा वैसे बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा, हर वर्ग पे फोकस रहेगा एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ का, क्योंकि 2018 के लिए एकलव्य के लिए चैलेंज होगा उन लोगों से लड़ना जिनका हक बनता है 4 नंबर में। यही भाजपा बात करती है कि इसमें परिवारवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पर यही बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं, चाहे वो कैलाश शर्मा हो जो कि नगर भाजपा के इंदौर के अध्यक्ष हैं जी, चाहे वो शंकर यादव हो जी, चाहे वो दूसरे 4 नंबर के नेता हो, उसमें कृष्ण मुरारी मोघे जी भी शामिल हैं कि उन्हें लड़ाया जाए जी, और शंकर लालवानी हमेशा से प्रयासरत रहते हैं, और इस बार बाकी तो टीम मैदान से लोग बाहर हो जाएंगे, पर 4 नंबर का जो खेल टिकट का चलेगा जी, वो एकलव्य टिकट अगर पार्टी नहीं देती है, क्योंकि गौड़ परिवार को सब कुछ दिया है, तो शंकर लालवानी टिकट लाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए इन सबसे एकलव्य को लड़ना होगा जी, अपनी ताकत दिखाना होगी, अगर अपना राजनीति का भविष्य 4 नंबर से तय करना है तो। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से लगातार राजनीति में संभावनाएं देखी जाती है, तो एक बड़ा सवाल जो है जनता जनार्दन सीधे एकलव्य गौड़ से पूछना चाहती है कि क्या वो आने वाले दिनों में राजनीति का चौका लगा पाएंगे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जो कि उन्हें विरासत में मिला है उनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ से, उसकी कैसे यहाँ पर वो देखभाल कर पाएंगे, वहाँ पर विकास हो विस्तार हो इसका कैसे पूरा पूरा ख्याल रख पाएंगे। तो अगला सवाल यहां पर एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ से, कोर्ट रूम में वो लगातार हमारे साथ हाजिर हैं, जो आता है सवालों की फेरिस्त में वो ये है कि कैसे उनका 24 घंटा बीतता है, किस तरह से वो 24 घंटे सातों दिन युवाओं से जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं, जनता के समस्या को समाधान तक ले जाते हैं, और किस तरह से वो अपना पूरा जीवन जो है कहा जाए दिनचर्या जो है वो जनता को समर्पित कर देते। तो यहां पर देखेंगे क्या है एकलव्य गौड़ का सीधा जवाब। देखिए, हम सभी का मतलब पूरे परिवार का ही समय जो है, मैं समझता हूँ 24 में से 18 घंटे जनता के बीच में से ही बीतता होगा। सुबह से ही फ़ोन कॉल्स, कार्यकर्ताओं से मिलना, ऑफिस पे आए जो लोग हैं उनकी समस्याएं सुनना, उसके बाद क्षेत्र में जो कार्यक्रम हैं उनमें निकलना, तो लगातार जनता के बीच में ही वो समय जाता है। और विधानसभा स्तर पे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में मैं लोगों की समस्याएं सुनता हूं, अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करता हूं, नहीं होती है तो आगे संबंधित व्यक्ति से चर्चा करके उनको हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। और रूटीन यही रहता है, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी बातें सुनना, क्षेत्रीय जनता से रूबरू होना, कार्यक्रम में जाना, तो मतलब पूरा जीवन ही सार्वजनिक जीवन ही हो गया है, पब्लिक लाइफ हो गई, पर्सनल कुछ नहीं बचा है।
चलिए, यहाँ पर कोर्ट रूम से हमें एकलव्य ने बताया कि किस तरह से 24 घंटों में वो लगातार 18 घंटे सतत रूप से समाज की सेवा, जनसेवा और युवाओं को समर्पित रहते हैं और लगातार वो तमाम इन योजनाओं को संचालित करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई हो, जनता का कहीं ना कहीं उसमें उनकी समस्याओं का समाधान हो। जनता के जज हरीश जी का क्या है फैसला, ये भी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। अच्छा और युवा नेता है एकलव्य जी, पर एकलव्य का टिकट लाना बहुत आसान नहीं होगा जी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बहुत कुछ दिया है गौर परिवार को जी। मालिनी गौर को टिकट दिया, फिर मेयर का टिकट दिया, अभी आने वाले समय में 2 साल अभी महापौर और वो रहेंगी जी। ऐसे में परिवारवाद की, यही भाजपा परिवारवाद की बात करती कि हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है जी। और सबसे बड़ा चैलेंज एकलव्य के लिए उन्हीं के लोग जी, दूसरा जो टिकट के 4 नंबर के दावेदार हैं जी, चाहे कैलाश शर्मा हो, अभी तक का इतिहास रहा है जो जो भाजपा का नगर अध्यक्ष बना है उसे पार्टी ने टिकट दिया है और कैलाश शर्मा को वापिस से टिकट, वापिस से अध्यक्ष बना करके पार्टी ने अपना भरोसा फिर से कैलाश शर्मा पे जताया है। बिल्कुल। दूसरे प्रबल दावेदार शंकर लालवानी, भले ही उनके पास टीम और कार्यकर्ता नहीं हो पर जादू जरूर है, शिवराज की वो खास हैं, इसीलिए संगठन और शिवराज की पसंद भी शंकर लालवानी है। तो जीतना एकलव्य के लिए आसान होगा अगर टिकट मिलता है, पर टिकट लाना एकलव्य के लिए बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ऑर्डर ऑर्डर के इस खास सेगमेंट में अब बारी है वो संदेश जानने की जो कि एकलव्य गौड़ अपने तमाम युवाओं को देना चाहते हैं, अपने तमाम हमसे जुड़े जनता जनार्दन को देना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी बताना चाहते हैं कि वो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ इस सार्वजनिक क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कोर्ट रूम में हाजिर एकलव्य गौड़ का क्या है खास संदेश जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच और समाज के लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। देखिए हिंद रक्षक संगठन लखन जी ने युवाओं को सकारात्मक दिशा मिले इस हेतु उसका गठन किया था और वो हमेशा कहा करते थे कि युवाओं में बहुत ऊर्जा होती है और ऊर्जा का एक स्वभाव होता है कि वो कहीं ना कहीं खर्च जरूर होती है। अब हमें यह तय करना है कि ऊर्जा सही दिशा में खर्च हो या नकारात्मक दिशा में। तो इस हेतु उन्होंने हिंद रक्षक संगठन का गठन किया कि सभी युवाओं को संगठित करके उनको सकारात्मक कामों में लगाएं, जिस तरह से हम पाग यात्रा निकालते हैं, राधा कृष्ण पाग यात्रा, पुण्योदय प्रकल्प जिसके माध्यम से गरीब बच्चों को हम अभ्यास पुस्तिका वितरित करते हैं, गरबा महोत्सव हम कराते हैं, गांधी जी के समय से ये सभी प्रकल्प चल रहे हैं और कोटी चंडी महायज्ञ हुआ, राम कथा जिसमें हमने शिवलिंग दर्शन मैदान पर स्थापित किए थे जो झाबुआ के हजारों गांवों में वहां स्थापित हुए हैं। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकल्प हैं वो कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्यों को लेकर उन्होंने शुरू किए थे, समाज को उसका कुछ ना कुछ लाभ हो, युवाओं में उसका सकारात्मक संदेश जाए और समाज सुधार के काम में और ज़्यादा युवा शक्ति जुड़े, इस हेतु इन सब चीज़ों का वो आयोजन करते थे और उसी दिशा में हम काम करें। लखन जी की एक बहुत बड़ी, उनके द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज हमारे साथ काम कर रही है, केवल मैं ही नहीं, हमारे लखन जी के उनके मित्र, उनके समर्पित कार्यकर्ता उनके जाने के बाद लगातार कंधे से कंधा मिलाकर मेरी माता जी का साथ दे रहे हैं और तभी हम समाज में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में शहर में काफ़ी परिवर्तन आया है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लखन जी ने जो हमको दिशा दिखाई है कि सही काम करें, ईमानदारी से काम करें, सकारात्मक दिशा में काम करें और समाज में कुछ ना कुछ हम नया प्रस्तुत करें, समाज को उससे जोड़ें, सुधार की दिशा में हम काम करें, तो लगातार हम उसी लाइन पर सब काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम है जो पूरी समर्पण के साथ, पूरे संयम के साथ हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और जो हिंद रक्षक संगठन है उसके माध्यम से हम समाज सुधार के काम तो कर ही रहे हैं। जो नई जिम्मेदारी महापौर के रूप में माता जी पे आई है तो उस सब को भी हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर उनका पूरा साथ दे रहे हैं और उसका परिवर्तन आपने पिछले 2 साल में शहर में देखा ही होगा।
चलिए, कोर्ट रूम में लगातार हमारे साथ बने थे एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर, जनता के जज हरीश जी क्या कहते हैं, जाते जाते उनका ऑर्डर सुन लेते हैं और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि मिशन 2018 के नज़दीक आते आते एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर को वो किस तरह से राजनीतिक पराकाष्ठा पर चढ़ता हुआ देखते हैं। तो क्या है जनता के जज हरीश जी का फैसला, ये भी जान लेते हैं। 2018 में अगर टिकट एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर को मिलता है जी, तो वाकई में विधानसभा चार में जिस तरह हमने लक्ष्मण सिंह गौड़ को काम करते हुए देखा था, उससे ज्यादा और उससे बेहतर काम एकलव्य कर पाएंगे जी। जैसे एकलव्य दिखते हैं ऐसे वो है नहीं। आज भी कई नेता न मोबाइल पे संपर्क में रहते हैं न मिल पाते हैं, पर एकलव्य सिंह की जो लोकप्रियता का कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि एकलव्य हर जगह हर कार्यकर्ता के साथ अवेलेबल रहते हैं, चाहे किसी तरह का विवाद हो किसी तरह का काम हो, एकलव्य हमेशा लगातार जनता के अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में सतत बने रहते हैं। बाकी बात अगर वो बनेंगे तो क्या उनका लक्ष्मण सिंह गौर जैसा विजन होगा जी कि विधानसभा चार में कितना विकास होना चाहिए? बिल्कुल। तो आज की स्थिति में दो साल से राजनीति की पढ़ाई लगातार एकलव्य सिंह गौर कर रहे हैं जी, एक साल उनका फाइनल ईयर बचा हुआ है। बिल्कुल। जैसे ही उनका फाइनल ईयर 2018 में खत्म होगा और उन्हें टिकट दिया जाएगा जी, तो जो विधानसभा में जिस तरह का काम होना चाहिए, जो वहां के लोगों ने लक्ष्मण सिंह गौर से कल्पना की थी कि शायद लक्ष्मण सिंह गौर वो कर पाए, उससे बेहतर काम एकलव्य करके देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, ऑर्डर में आज हमारे बीच हाजिर हुए थे एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर, वो नाम जो कि गौर परिवार भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया है। इस परिवार ने, उनके स्वर्गीय पिता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुवादी संगठनों के लिए काम किया और अब माता शहर की प्रथम नागरिक हैं और इंदौर को नंबर वन शहर बनाने का सीधा और पहला श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उम्मीद है कि इस राजनीतिक विरासत को संभालने की वो तमाम खूबी एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर में आने वाले दिनों में दिखाई देगी और जनता के जज श्री हरीश जी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं ऑर्डर इस खास सेगमेंट में। HBtv न्यूज का ये नया कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और इसमें कौन कौन सी हस्तियों को जोड़ने की है जरूरत, यह भी आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या है आपकी पहली और खास प्रतिक्रिया। तब तक लगातार देखते रहिए खबरों के लिए HBtv न्यूज और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।